से जहां यूपी में फोकस वैक्सीनेशन आज से शुरू हो चुका है। आज से 23 अप्रैल तक चलेगा विशेष टीकाकरण अभियान। वहीं विभिन्न समूह के लोगों का तिथिवार होगा वैक्सीनेशन। आज से 9 को पत्रकारों और दुकानदारों को भी वैक्सीन लगेगी। 10 को बैंक और बीमा कर्मचारियों को वैक्सीन लगेगी। 12 से 14 को शिक्षकों को वैक्सीनेशन होगा। वहीं 15 से 16 को ऑटो रिक्शा टैक्सी ड्राइवर का होगा वैक्सीनेशन। आपको बता दें कि 17 से 19 को सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को वैक्सीनेशन लगेगी। वहीं 20 और 21 को न्यायपालिका कर्मचारियों का वैक्सीन लगेगी। बता दें कि 22 और 23 को निजी कर्मचारियों का होगा वैक्सीनेशन। वहीं कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर सरकार ने ये बड़े कदम उठाए हैं। वहीं यूपी के 13 जिलों में नाइट कर्फ्यू भी जारी हुआ है। आप बड़ी खबर देख रहे हैं। विभिन्न समूह के लोगों का तिथिवार होगा वैक्सीनेशन। 8 से 9 को पत्रकारों और दुकानदारों को वैक्सीन लगेगी। 10 को बैंक और बीमा कर्मचारियों को वैक्सीन लगेगी। 12 और 14 को शिक्षकों को वैक्सीन लगेगी। बता दें कि 15 और 16 को ऑटो रिक्शा इसी खबर के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिषेक सिंह जी। अभिषेक जी, इस कोरोना को लेकर के क्या पूरी जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहले भी कोविड-19 को लेकर दिशा निर्देश दिए गए थे और दिशा निर्देशों को यथावत फॉलो करने के लिए दंड की भी कार्रवाई की गई है। अब मास्क को लेकर भी लगातार चालान हो रहे हैं। पूरे प्रदेश की बात की जाए या पूरे देश की बात की जाए, खासतौर पर कहा जाए कि नाइट जो कर्फ्यू है उसकी शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डोर टू डोर एंडोर्स करने के लिए आज से फोकस वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। आज से 23 अप्रैल तक ये विशेष टीकाकरण अभियान चलेगा। विभिन्न समूहों के लोग इसमें शामिल होंगे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में। साथ ही साथ घर घर जाकर इसे भी एंडोर्स किया जाएगा, वहां से भी डाटा लिया जाएगा। इसमें कई हाईटेक कदम भी उठाए गए हैं जिन्हें भी इसमें शामिल किया जा रहा है। साथ ही साथ जेनसेक्स की मदद ली जा रही है, लोकल स्तर पर लोगों की मदद ली जा रही है और ज्यादा से ज्यादा तादाद में वैक्सीनेशन प्रोग्राम से लोग जुड़ पाए, वैक्सीनेटेड हो पाए, इसकी कोशिश आज से की जा रही है। जी अभिषेक जी, वैक्सीनेशन को लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं जारी की गई है? इसी दौर में सरकारी और बड़े अस्पतालों को भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए चिन्हित किया गया था, वैसे ही अब बड़े जो मेडिकल कॉलेजेस हो या फिर बात की जाए जो प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल हैं, उन्हें भी पूरी तरह से चिन्हित किया गया है वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए। वहां भी लोग जा सकते हैं, अपनी वैक्सीन अपने खुद को लगवा सकते हैं, पहले चरण की फिर दूसरे चरण की। तो निश्चित तौर पर ज्यादा से ज्यादा इसे एंडोर्स किया जाए, ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों को, चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्रों को इससे जोड़ा जा सके, बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सफल कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को ग्राउंड लेवल पर यानी ग्रामीण स्तर पर भी लोगों से जुड़ने की कोशिश की जाएगी आज से वैक्सीन के लिए। जी अभिषेक जी, वैक्सीनेशन को लेकर के क्या कोई अलग वार्ड बनाया गया है इन लोगों के जो वैक्सीनेशन की जो अलग अलग डेट्स दी गई है, क्या अलग वार्ड बनाया गया है वैक्सीनेशन को लेकर के स्वास्थ्य विभाग में? जी बिल्कुल, इसे और तेजी से करने के लिए ये जो फोकस वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इसकी शुरुआत की वजह से भी है कि अलग अलग वर्ग, चाहे वो बैंक के कर्मचारी हो, चाहे वो स्कूल में काम करने वाले कर्मचारी हो, टीचर हो, या जो स्कूल में अभिभावक जो लोग लेने छोड़ने जाते हैं बच्चों को, उनकी बात की जाए या फिर बात की जाए ऑटो रिक्शा चालकों की, बात की जाए पत्रकारों की, न्यायपालिका से जुड़े जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनकी बात की जाए, उनके लिए अलग अलग तिथियां निर्धारित की गई हैं अप्रैल माह में। और उन तिथियों में वहां पर बाकायदा उनके कार्यालयों में ही जाकर वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी, कैंपिंग की जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेटेड किया जा सके। जी अभिषेक जी, कोरोना को लेकर के अस्पतालों में क्या आइसोलेशन वार्ड भी बने गए हैं? जिस तरीके से पहले चरण में हमने देखा था कि आइसोलेशन वार्ड भी बने थे अस्पतालों में, अलग से एक रूम दे दिया गया था कोरोना के मरीजों को, क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ है?
आंकड़े आने के बाद से ही पैनिक की स्थिति जरूर हुई थी, लेकिन ये बात भी बिल्कुल साफ थी कि कोविड 19 को लेकर के वैक्सीन की घोषणा होने के बाद काफी लापरवाहियां देखने को मिली। शायद यही वजह थी कि जिस तरह के विस्फोटक आंकड़े देखने को मिले, मॉर्टैलिटी रेट यानी मृत्यु दर लगातार बढ़ता जा रहा है, और इन सारी चीजों को काबू पे लाने के लिए निश्चित तौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी मदद ली जा रही है। अचानक से जिस तरह केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर होम आइसोलेशन के अलावा भी आइसोलेशन वार्ड्स हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स या नर्सिंग होम हो जिन्हें आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट किया जा रहा है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो जहां पर आइसोलेशन वार्ड का इंतजाम किया जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा तादाद जो है युद्ध स्तर पर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से आंकड़े बढ़ते हुए नजर आए। जी अभिषेक जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं कि कोरोना का कहर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना ने एक बार फिर अपना रुख अपना लिया है। इसी को देखते हुए वैक्सीनेशन किया जा रहा है। बता दें कि 10 को बैंक और बीमा कर्मचारियों को वैक्सीन लगेगी, वहीं 12 से 14 को शिक्षकों को वैक्सीन लगेगी, 14 से 16 को ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर को भी वैक्सीन लगेगी, वहीं 17 से 19 को सरकारी अधिकारी कर्मचारी को भी वैक्सीन लगेगी, 20 और 21 को न्यायपालिका कर्मचारियों को वैक्सीनेशन होगा, वहीं 23, 22 और 23 को निजी कर्मचारियों का वैक्सीनेशन होगा। इस वक्त प्रयागराज से बड़ी खबर आ